हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और तो बस अभी नहा के आई हूँ मैं, और सब काम तो हो गया है सुबह का, है ना ईशान? तो आज मेरे सोनी का रिजल्ट था और बहुत ही टेंशन थी कि कैसा होगा, क्योंकि ये उसका पढ़ाई पूरा कंप्लीट नहीं था। आधे साल से गई थी पढ़ने के लिए, तो टेंशन थोड़ा बहुत था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट निकला है उसका, और मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, तो बहुत खुश हूँ मैं उसके लिए। और अच्छी चली गई, दिखाती हूँ आपको उसका रिजल्ट। फर्स्ट पोजीशन आया है उसका उसके क्लास में, तो दिखाती हूँ आपको मैं। ये देखिए, जो सेकेंड टर्म एग्ज़ाम था उसमें तो तीन सब्जेक्ट में फेल हुई थी वो, और ये बदमाश को देखो, बहुत ही बदमाशी करता है। तो इसलिए और भी टेंशन हो रहा था कि कैसा होगा उसका एग्ज़ाम, पर बहुत मेहनत की फाइनल में, तो रिज़ल्ट बहुत ही अच्छा आया। ये देखिए, पहले एग्ज़ाम में कुछ कुछ सब्जेक्ट में फेल हुई थी, ये रहे, और ये फाइनल में पास हो गई है। देख सकते हैं रैंक, फर्स्ट रैंक पास, 60 अटेंडेंस, 61 डेज, और सभी में गुड मिला है। देख सकते हैं आप, वेरी गुड, वेरी गुड, एक्सेलेंट भी मिला है। और ये देखिए, 71.5% मिला है इसका। तो अब क्लास 8 में चली गई मेरी सोनी कनिष्का सिंह, तो प्रोमोटेड क्लास 8 में गई है। अभी उसे और भी मेहनत करनी पड़ेगी, क्लास बड़ी हो रही है और उसे मेहनत भी करनी पड़ेगी बहुत ही, तो और भी अच्छे मार्क्स लाएगी ना ईशान। चली गई है अपने दोस्तों को बताने, पास हो गई वो। तो चलिए अब मिलते हैं, थोड़ा सा मैं बाल सुखा लूँ धूप में बैठ के, तो फिर मिलूँगी मैं आपसे। धूप सेक रही हूँ, बहुत ही अच्छी धूप है, धूप सूख जाए मेरे पास तब मैं खाना बनाऊँगी। दाल चढ़ा दिया है मैंने, बस सब्जी और चावल बैठाना है, वो आराम से बैठाऊँगी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये बन गया है, कल रात में फिनिशिंग किए थे, और ये अभी लगा रहे हैं बटन, डायमंड बटन। तो इसको तार से लगा के फिक्स कर रहे हैं, दिखाती हूँ मैं। ये देखिए कैसे तार से फिक्स कर रहे हैं इसे। ये है वायर, इसी से फिक्स कर रहे हैं, और ये है बटन, स्टोन बटन। तो फ्रेंड्स, इनको चाय दे दिया है मैंने, और सब्जी भी लेकर बैठ गया हूँ काटने के लिए। तो सब्जी वब्जी काट उठ के बनाऊँगी मैं भी इनके साथ बैठ के बातें करती हूँ और अपना काम भी कर लेती हूँ, तभी जाऊँगी किचन में सब्जी बैठा लूँ। कहना है कहियो तो वायरल हुई हमार वीडियो। ना बाबू, कहिए तो वायरल हुई ना। तो फ्रेंड्स, अभी मैं खाना बना रही हूँ, ये देख सकते हैं आप, चावल हो गया है, दाल हो गया है, और ये सब्जी है आलू गोभी की, और साथ में हस्बैंड का हेल्प भी कर रही हूँ ये लगाने में, ये देखिए। तो ये सब थोड़ा सा हेल्प में कर देती हूँ, उनको आराम हो जाता है, हेल्प कर देती हूँ। और ये देखिए गोभी आलू की सब्जी है, सब मसाले डाल चुकी हूँ मैं, अच्छे से फ्राई हो जाए फिर उसमें पानी डाल दूँगी, पक जाएगा ये। तो ये देखिए, ये साइड लग गया है और ये साइड भी लग गया है, अभी एक साइड है, ये साइड देखिए, एक दो तीन चार लग गया है, और दो लगाना है यहाँ से, यहाँ पे तक, तो मैं कर करके रख रही हूँ। तो इनको बार बार फ़ोन आ जा रहा है, तो ये चले जा रहे हैं अपना काम करने के लिए, तो बीच बीच में आके कर रहे हैं, और मैं तब तक ये लगा लगा के रख दूँगी, तो इनको आराम रहेगा, आके सिर्फ फिक्स करना रह जाएगा इनको। तो फ्रेंड्स, ये दो मैंने लगा दिया है, ये देखिए अंदर से दिखाती हूँ, ये देखिए तार निकल गया है,
आएंगे मेरे हस्बैंड तो वो ठीक करेंगे इसे। छोड़ दो बेटा, अभी गए हैं वो सामान देने, फ़ोन आ गया था तो सामान देने चल गए चले गए। तो ये मैं अभी खुद से बना रही हूँ, नकरा और ईशान भी लगा है देख सकते हो नकरा। देखो खुश दिल बनी फिक्स आप करो ना, हम खुश देने खाली मातु तो फिर ये चले गए, इनको गाड़ी हटाना था जहाँ पर रखे थे वहाँ से हटाना था तो गाड़ी हटाने के लिए चले गए हैं। और मैं ये एक साइड का पूरा बाकी था, छः पूरा बटन लगाना था तो वो मैं सब लगा लगा के रख दे रही हूँ। और यहाँ पर मेरा खाना भी बन चुका है तो बस ये काम कर ले, ये सब कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग खाएँगे और फिर पहले ईशान को खिला दूँगी उसके बाद फिर हम लोग खाएँगे। तो जब तक वो आएँगे तब तक मैं ये सब लगा लूँगी। तो फ्रेंड्स ये बनाए हैं मेरे हस्बैंड, सेंटर टेबल भी हो जाएगा और साइड में भी लग जाएगा, ज़्यादा आदमी है कभी मेहमान ज़्यादा हो जाते हैं तो ये सब बैठने के लिए भी हो जाएगा और सेंटर टेबल जैसा भी हो जाएगा। ये मल्टीपर्पज़ बना दिए हैं मेरे हस्बैंड और इसको दोनों सोफ़ा को एक साथ कर देंगे तो बेड भी हो जाएगा। तो वो सब मैं दिखाऊँगी आपको, ये सब छः मैंने लगा कर दिया, आएँगे मेरे हस्बैंड। यहाँ पर ईशान हाला कर रहा है, इसे खाना खिलाने जाना है मुझे, इसे पहले खाना खिला लो, चलो खाना खाने ईशान। तो ये देखिए फ्रेंड्स ये आ गए हैं, अब ये फिक्स कर देंगे और नीचे में जो ये ओपन है इसको भी बंद कर देंगे कपड़े लगा के, फिर ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इतना सारा काम है, वो छोटा छोटा काम रह ही जाता है करने के लिए, तो जब जब इनको टाइम मिलता है आके करते जाते हैं और साथ में मैं हेल्प कर देती हूँ। तो ईशान को भी खाना खिला लूँ उसके बाद हम लोग खाएंगे ये कम्प्लीट होने के बाद और आपको दिखाएंगे कैसा लगता है ये पूरा कम्प्लीट होने के बाद। तो ये देखिए फ्रेंड्स ईशान को मैंने खिला दिया है, अब ये फिर लग गए हैं, फिर देख सकते हैं आप ये कपड़े लगाने में, और ये कपड़ा पेंट का कपड़ा है तो उसी को लगा देंगे। अब कहाँ खरीदने जाएंगे इतना थोड़ा सा, तो वही लगा दे रहे हैं देख सकते हैं आप, पिनअप कर रहे हैं स्टेपलर से। तो ये लगभग कंप्लीट ही हो चुकी है, अब इसमें कुछ नहीं है। और ये ईशान परेशान कर रहा है, वो लगा रहे हैं बीच बीच में मार दे रहा है तो अंदर चला जा रहा है। तो ये जो थोड़े थोड़े निकले हैं उसको मैं हथौड़ी से ठोक दे रही हूँ, देख सकते हैं आप ये पूरा प्लेन हो जाएगा क्योंकि इसको उल्टा करेंगे तो शायद कारपेट में लग के फट सकता है कारपेट, तो इसलिए इसको अच्छे से हथौड़ी से ठीक कर दे रही हूँ मैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से सेंटर टेबल भी हो जाएगा, दोनों तरफ से बैठ सकते हैं और इसमें कुछ खाओ के भी सकते हैं हम लोग, तो देख सकते हैं आप इस तरह भी रख सकते हैं हम लोग और इसी को हम लोग बेड भी बना सकते हैं। तो मल्टीपर्पज़ हो गया है, बना दिए हैं मेरे हस्बैंड। तो ये देखिए हम लोगों ने हटाना शुरू कर दिए हैं और ये हटाते ही देखिए अंदर कितना मैला चला जाता है, पूरा उड़ उड़ के अंदर, पता नहीं कैसे चला जाता है, रोज़ ही झाड़ू करते हैं तभी। तो ये मेरे हस्बैंड झाड़ू करके हटा रहे हैं, तो ये हम लोगों ने हटा दिया है और ये बीच में डाल दिया है। देखिए दो लोग आराम से सो सकते हैं इस तरह से, देखिए मैं भी सो गई हूँ, ईशान भी सो गया है तो इस तरह से बेड भी बन गया है ये, तो बहुत ही कंफर्टेबल है सोने में भी ये, क्योंकि स्पॉन्जी है। और ये देखिए अभी इस तरह से हटा दिए हैं और ये हो गया है हमारा सोफ़ा, एल शेप सोफ़ा। तो कितने लोग भी आएंगे तो आराम से बैठ सकते हैं। तो मेरे हस्बैंड को ऐसे इस टाइप का सोफ़ा पसंद है एल शेप, वो जो अलग अलग होता है उन्हें पसंद नहीं है। तो ये देखिए फ्रेंड्स मेरी भाभी क्या भेजी है आकांक्षा से, आकांक्षा अभी लेकर आई और रुकी भी नहीं, चले गई फट से।
तो ये देखिए, और यहाँ परेशान रो रहा है। माया दीदी क्या टूट जाए ना। तो ये देखिए सत्तू है और ये चावल है, नया चावल जो कम ही देखने को मिलता है हमें, ये देख सकते हैं आप, ये नया चावल है, बहुत ही मीठा लगता है इसका चावल पकाने से। और ये देखिए ये चूरा है, और ये देखिए ये चूरा बहुत ही टेस्टी लगता है, ये घर का चूरा, तो गांव से ये सब लाई है भाभी, तो ये सब दी है मुझे। और ये चिप्स आलू के, तो वही फ्राई करूँगी अभी शाम को दूंगी मैं, ये देखिए। और ये चावल को बना के उसके बाद इसको सुखाया जाता है कलर वलर डाल के, तो ऐसा हो जाता है। और ये देखिए ये फ्राई होने के बाद ऐसे कलर हो जाता है इसको, गिर भी गया। और मैं आज डिनर में बनाऊंगी खिचड़ी, और खिचड़ी के साथ ये बैगन का चोखा, जिसे मैंने गैस पे पका लिया है अच्छे से, और इसको ठंडा हो जाएगा तो ये सब छिलके उतार दूंगी। उसके बाद इसको नमक तेल और हरी मिर्च और हरी धनिया डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, तो ये चोखा हो जाएगा। तो ये है खिचड़ी फ्रेंड्स, और खिचड़ी भी पक गया है। आज प्लेन खिचड़ी बनाई हूँ, कुछ सब्जी भी नहीं डाली हूँ, बस दाल चावल से बनाई हूँ, क्योंकि ये वही चावल है जो मेरी भाभी बहन लाई है गाँव से, तो इसी से चावल से बनाई हूँ, और इसमें कुछ की ज़रूरत नहीं लगेगी, इसी मीठा लगेगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा इसका खिचड़ी। और यहाँ पर है ये बैगन का चोखा, तो अभी हम लोग खाएंगे डिनर और मिलेंगे आपसे नेक्स्ट मॉर्निंग में। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कैसा लगा, अच्छा लगे तो लाइक शेयर, और जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि और भी बढ़े, मेरे सब्सक्राइबर बढ़े और व्यू हो अच्छा, तो जिसकी वजह से मुझे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने का उत्साह हो, मैं और भी अच्छे वीडियो बना सकूँ आप लोगों को अगर पसंद आए तो। और आप लोग बताइएगा कमेंट करके कैसा वीडियो बनाऊँ, कैसा अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोग देखते हैं, आप लोगों को लगेगा कि कैसा दिखना चाहिए, कैसा क्या करना चाहिए, तो वो सब आप लोग सजेस्ट कर सकते हैं मुझे किस तरह का वीडियो बनाऊँ मैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।